तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे हो। तो गाइस, ये अरुण के गांव का डे टू था, ये मौसी का घर था। मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया और यहाँ के लोग भी अच्छे थे, नानी के गांव के भी बहुत मज़ा आया, वहाँ पे भी अच्छे थे। बट मैं ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, ये अरुण सो रहे, मेरे से गुस्सा था ये, मतलब मैं भी इनसे बात नहीं कर रही थी। तो आज था यहाँ पे कीर्तन और मैं पहली बार गाँव का कीर्तन देख रही थी। ये मम्मी है और उसके बाद आगे चलते हैं कीर्तन वाले वहाँ पे जहाँ कीर्तन होने वाला है। तो ये सब डेकोरेशन हो रही थी, छोटा सा कीर्तन था, ज़्यादा बड़ा नहीं, मज़ा बहुत आया था। बट इसमें बाकी आपको आगे देखने मिलेगा कि मेरे को मज़ा क्यों आया था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मस्ती करी थी। और यहाँ पे अब अरुण बजा रहे होंगे ढोल, यहाँ अरुण ढोल बजा रहे थे, हम सबको दिखा रहे थे ढोल बजा के कैसे बजाते हैं। तो चलो आप आगे, जब तक आप इन्जॉय करो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से आगे। तो ये हो गया था कीर्तन स्टार्ट। अभी ये अंशु है, ये सबको टीका लगा रही थी, ये मौसी की बेटी है तो ये सबको टीका लगा रही थी, क्योंकि कीर्तन में लगाना होता है सबको टीका, इसलिए वो सबको टीका लगा रही थी। बट मुझे फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कीर्तन वगैरह कुछ देखा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत हद से ज़्यादा मज़ा आया। गाँव के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, मतलब बिल्कुल, मतलब सब ऐसा बिहेव नहीं कर रहे थे कि मैं अलग हूँ यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसी गाँव की हूँ। मौज मस्ती सब कुछ हो रहा था यहाँ पर। और अब यहाँ पे आपको मौसी और मम्मी डांस करते हुए दिखेंगे। गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, सीरियसली जितना मज़ा इस वीडियो में दिख रहा है ना, उससे कई ज़्यादा मज़ा मुझे सामने में ये सब देखने में आ रहा है, क्योंकि ये सब फर्स्ट टाइम मेरे को एक्सपीरियंस था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे यहाँ पे जाकर। तो चलो आप आगे बढ़ो, आप देखो, जब तक फिर अब भी आएगा थी, जब मैं अरुण के मामा के गाँव में थी तब आएगा वो वाला डे, क्योंकि मैं इतना शूट नहीं कर पाई, थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट कर पाई थी, वही ऐड करके आपको बस दिखा दी। अगर इस साल को हम क्रिकेट का साल कहें ना, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। अभी अभी आईपीएल खत्म हुआ है, तो इंटरनेशनल लीग, फिर एशिया का, फिर ऑस्की वर्ल्ड कप भी इसी साल होने वाला है, तो क्यों ना हम क्रिकेट देख देख के पैसे कमाएं। हाँ जी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसका नाम है सेट स्पोर्ट। गाइस, इसमें कई सारे ब्रांड एम्बेसडर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और इतने ही नहीं, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी भी इसमें गेम खेलना पसंद करते हैं। और गाइस, यहाँ पे 5 लाख से प्लस एक्टिव यूजर रोज अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। इस वेबसाइट पे आपको क्रिकेट, सॉकर, लूडो, हॉर्स राइडिंग, टेनिस 500 प्लस गेम मिल जाएंगे। बट जो चीज इसको बाकी साइट से अलग बनाती है वो ये है कि इसमें 24/7 कस्टमर सर्विस, फास्ट विड्रॉल एंड डिपॉजिट की सर्विस 24 आवर्स अवेलेबल है। और प्लस गाइस, इसमें एक खास बात ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, इसमें आप इजीली गेम्स करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते। तो गाइस, नीचे कमेंट सेक्शन में सेट स्पोर्ट वेबसाइट का लिंक है, अभी जाकर रजिस्टर करो, सेट स्पोर्ट के साथ करो ऐश और खेल खेल के बनाओ बहुत सारा कैश मिल जाए। अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि घर में हो रहा है कीर्तन और अभी मैं बाहर आई हूँ क्योंकि ढोल बोल की आवाज आ रही थी इस वजह से, और मेरे पीछे एक शख्स और आ गया जो कि मुझे अकेला नहीं छोड़ता। क्यों? वो मेरी अपनी भाभी की बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है ना।
तो इसलिए वहाँ पे कीर्तन वगैरह चल रहा है, इसलिए मैं नहीं आई, मतलब मैं आ गई। इसलिए तो अभी मैं आपको अपना पूरा आ गया बन रही वीडियो। तो मैं पानी तो पिला रही हूं। है भी पानी? है गर्मी लग रही है। यही पानी पिएगा? हाँ खोल लो, लड़ जाऊंगी। बांधना आता भी है? अरे गलती से वो गांठ लगी बड़ी थी ना, इसलिए हाँ। तो गाइज ये है डे थ्री, अरुण के मामा का घर। यहाँ पे हो रहा था कोई पूजा वगैरह, मतलब अरुण के मामा मामी नाना नानी उनके सारे बच्चे सब यहीं पे रहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था यहाँ पर भी मुझे। बहुत यहाँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, सबने मुझे बहुत प्यार दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी थी। तो यहाँ पर ना कोई पूजा होती है, मुझे नहीं पता ये पूजा क्या थी, बट ये इसमें ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। छोटी सी पूजा थी, बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और अभी मम्मी सबको चाय दे रही है, जो भी यहाँ पे लेडीज थी उनको, और ये नानी है जिनने भी चाय लिया ना, ये हमारी नानी है। फिर सामने सबसे आगे मामी बैठी हुई है इस वजह से, तो अभी सबको चाय दे रही थी। बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था मुझे यहाँ पर भी। लास्ट में ये दीदी मेरे पैर छूने आने वाले थे, और मैंने उनसे बोला नहीं नहीं मेरे पैर मत छू, मैं आपसे छोटी।